नगर पालिका पेहवा के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी उनके साथ रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राजकुमार सहित बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। निकाय मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जनता का एक बड़ा चुनाव आने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। उन्होंने कहा कि हमारे देश पर 600 साल पुराना जो कलंक था उसे दूर करने का काम बीजेपी ने किया है और बीजेपी हर वर्ग की हितैषी है, इसलिए बीजेपी को हमें वोट देना चाहिए। रहेंगे सरदार संदीप सिंह जी का पुष्पमाला से स्वागत करेंगे और साथ में विक्की वर्मा जी। सभी दुआ जी, जिला सचिव और मंडल अब मैं हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार जी का स्वागत करेंगे। मैं भी आपको एक ही बात बताने वाला कि अगले महीने या उससे अगले महीने एक जनता का चुनाव आने वाला है, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें। और चुनाव की बात है तो चुनाव की बात करेंगे। और जो संदीप जी ने बात कही कि मैंने क्या देना है वो मैं बाद में बात करूंगा। प्रश्न ये है कि हम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दें, ये बड़ा यक्ष प्रश्न है। मित्रों, मैं 1100 वर्ष पूर्व जाता हूं। 1100 वर्ष पूर्व पृथ्वीराज चौहान हमारे राजा थे और मोहम्मद गौरी ने उन पर 17 बार आक्रमण किया, 17 बार, और पृथ्वीराज चौहान ने उनको 17 बार हराया। 18वीं दफा इस देश के जयचंदों के कारण हमारे पृथ्वीराज जी चुनाव हार गए, चुनाव क्या युद्ध हार गए। उसके बाद से 2 वर्ष पूर्व तक हमारा देश, हमारा राष्ट्र अवनति की ओर चला, अवनति की ओर। 600 साल पहले बाबर आया, उसने हमारा राम मंदिर तोड़ा, कृष्ण मंदिर तोड़ा, शिवजी का मंदिर तोड़ा। 2 साल पहले हिंदुस्तान ने क्विस्ट लिया। कैसा ट्विस्ट लिया? तो 600 साल पुराना पहले कलंक था हमारे पास, उस कलंक को दूर करने का काम किया। मित्रों, अगर घर हमारा है और उसकी दीवारें थोड़ी कमजोर हैं, अच्छा पेंट नहीं है, लेकिन उस घर के अंदर चित्र हमारे दादा का है, हमारे परदादा का है, हमारे पिता का है, वो घर अच्छा या एक ऐसा महलनुमा घर सभी सुविधाओं से सुसज्जित ऐसा घर, लेकिन उस घर के अंदर बाबर की फोटो है, अकबर की फोटो है, वो घर अच्छा। आज हमने बाबर का जो रोपा